एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम कोपा ट्रेड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन निमी बेस्ड होंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच इज द सिक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेटर। इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सिक्वेंस सही है। तो ऑप्शन पहला है इनपुट आउटपुट प्रोसेस, नहीं ये बिल्कुल गलत है। अगला है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यस ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पहले वो इनपुट लेगा, उसके बाद प्रोसेस करेगा, उसके बाद आपको आउटपुट देगा। देखिए एग्जाम्पल के रूप में हम आपको समझाते हैं कि आपने यूट्यूब पेज खोला तो उस पर आपका क्लिक करना आपका इनपुट देना हुआ, अब माइक्रो सेकेंड में वो प्रोसेस करके आपको आउटपुट के रूप में यूट्यूब का होम पेज खोलकर रख देगा आपके सामने। तो आपका ऑर्डर देना इनपुट हुआ, उसका प्रोसेस करके आपके सामने रिजल्ट रखना वो आउटपुट हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट जनरल पर्पज प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इसमें पूछा गया है कि फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए ENIAC। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक। एग्जाम में फुल फॉर्म भी बहुत पूछी जाती हैं, तो इसका फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ENIAC। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर। कंप्यूटर किस टाइप की डिवाइस है। तो कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अगला क्वेश्चन है हु इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो वो है चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन का आविष्कारक कौन है। तो वो है ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स बैबेज एनालिटिकल इंजन के आविष्कारक हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या था। ऑप्शन है हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट, नहीं है ये माइक्रो प्रोसेसर, ये भी नहीं है ट्रांजिस्टर, ये भी नहीं है, और लास्ट है हमारा वैक्यूम ट्यूब्स। पहली पीढ़ी में कंप्यूटर की यूज हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है हाउ डज द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर अ बाइट। तो वो है 8 बिट्स एट अ टाइम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच इज एन इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट्स ऑफ सीपीयू। ऑप्शन है CVT, UPS, SMPS या स्टेबलाइजर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, SMPS। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इन मदरबोर्ड। ऑप्शन है हमारे टू इंसर्ट द रैम, ऑप्शन बी है टू इंसर्ट द माउस, टू इंसर्ट द कीबोर्ड या टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल्स। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल्स। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। टेंथ नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेमोरी यूनिट इन आ कंप्यूटर।
एक्सेप्ट डेटा, डिस्प्ले डेटा, प्रोसेस डेटा, स्टोर्स डेटा। देखिए मेमोरी सुनते ही हमें एकदम याददाश्त की एक फील आती है कि हम याददाश्त के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हम सोचते आ रही है हमने क्वेश्चन याद नहीं रख पाया। याद क्यों नहीं रख पाया? क्योंकि हमने उसको स्टोर नहीं कर पाया, उस क्वेश्चन को हमने अपने दिमाग में, अपनी मेमोरी में स्टोर नहीं कर पाया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टोर्स डेटा। मेमोरी का नाम ही होता है, मेमोरी का एक दूसरा नाम ही है, मेमोरी का एक दूसरा नाम है स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ मैनी पिंस आर देयर इन डी आई एम एन, हाउ मैनी पिंस आर देयर इन डी आई एम एन। ऑप्शन है 138, 148, 158 एंड 168। तो ऑप्शन नंबर डी 168 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी पिंस आर देयर इन एस आई एम एम एस, हाउ मैनी पिंस आर देयर इन एस आई एम एम एस। 32 से 72, 42 से 82, 52 से 92 या 62 से 102। इसका राइट आंसर होगा 32 से 72, ऑप्शन नंबर ए 32 से 72। अगला है, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओएस, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, लिख देती हूं मैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो होगा विंडो, ऑप्शन नंबर बी विंडो। देखिए मैं आपको बताती चलूं कि ये सेमेस्टर फर्स्ट का है, सेमेस्टर फर्स्ट से रिलेटेड हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इसमें आपको आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तो आपको हूबहू यही मिलेंगे, ऐसे ही मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन अ यूजर एंड अ कंप्यूटर, इंटरमीडिएट बिटवीन यूजर एंड अ कंप्यूटर, तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के बीच मध्यस्थता का काम करता है, इंटरमीडिएट का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है प्रोसेस करना और मेमोरी को मैनेज करना, प्रोसेस करना एंड मेमोरी को मैनेज करना, प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर डज द मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन रिसाइड इन विंडो, वेयर डज द मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन रिसाइड इन विंडो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टास्क बार, ऑप्शन नंबर ए टास्क बार। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच टूल इन कंट्रोल पैनल इज यूज टू एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग टू अ कंट्रोल टू कंट्रोल कंप्यूटर विथ वॉइस कमांड। ऑप्शन है, सिस्टम एंड सिक्योरिटी, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इजी टू एक्सेस। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इजी टू एक्सेस, इजी टू एक्सेस। आने वाली वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं भी आईटीआई स्टूडेंट रह चुकी हूँ, एग्जाम दे चुकी हूँ। और अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रोल पैनल एप्लेट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर, विच कंट्रोल पैनल एप्लेट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है सिस्टम एंड सिक्योरिटी, बी है हार्डवेयर एंड साउंड, सी प्रोग्राम्स एंड डी है अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, सिस्टम एंड सिक्योरिटी, सिस्टम एंड सिक्योरिटी, कंट्रोल पैनल एप्लेट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एप्लेट फाइल इन कंट्रोल पैनल, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एप्लेट फाइल इन कंट्रोल पैनल, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी .cpl, .cpl एक्सटेंशन ऑफ एप्लेट फाइल इन कंट्रोल पैनल, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी एंड पेस्ट अ फाइल्ड फोल्डर, विच शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, तो वो हो जाएगा कंट्रोल प्लस सी,
कंट्रोल प्लस सी से होता है कॉपी और पेस्ट से होता है, कंट्रोल प्लस वी से होता है पेस्ट। देखिए कॉपी के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी और पेस्ट के लिए है कंट्रोल प्लस वी और कट के लिए होती है कंट्रोल प्लस एक्स और सिलेक्ट ऑल के लिए होती है, मैं लिख देती हूँ सिलेक्ट ऑल के लिए होती है कंट्रोल प्लस ए, राइट। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल प्लस वी। अगला क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू रिफ्रेश विंडो डेस्कटॉप, हमें अपने विंडो को रिफ्रेश करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी F5 जब हम प्रेस करेंगे तो हमारी जो विंडो है वो रिफ्रेश होगी। अगला है विच इज द ऑर्डर ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन विंडो एक्सप्लोरर, विंडो एक्सप्लोरर तो वो होगा हायरार्किकली, ऑप्शन नंबर सी हायरार्किकली। अगला है वेयर डज द पिंड एप्लीकेशन स्टेड इन विंडो, वेयर डज द पिंड एप्लीकेशन स्टेड इन विंडो, ऑप्शन है डेस्कटॉप, नोटिफिकेशन, शॉर्ट बटन एंड लास्ट है टास्क बार। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, टास्क बार। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टिपिकल डीवीडी, टिपिकल डीवीडी की कैपेसिटी कितनी है, कितनी क्षमता है। ऑप्शंस हैं 40 MB, 50 MB, 60 MB और 4.7 GB। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 4.7 GB। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा विच प्रोसेस इज यूज टू रिकॉर्ड डेटा ऑन टू एन ऑप्टिकल डिस्क, विच प्रोसेस इज यूज टू रिकॉर्ड डेटा ऑन टू एन ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्शन नंबर ए बर्निंग, ये मेरे एग्जाम में भी आ चुका है, मैं एग्जाम मैंने पहले बताया कि मैं एग्जाम दे चुकी हूँ, 2021 में मैंने एग्जाम दिया था तो उसमें ये क्वेश्चन आया था विच प्रोसेस इज यूज टू रिकॉर्ड डेटा ऑन टू एन ऑप्टिकल डिस्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्निंग।